नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। आज एक और नए डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से, तो उन छात्रों के लिए खुशखबरी है। उस डिस्ट्रिक्ट में 16,223 स्मार्टफोन और 19,423 जो हैं वो टैबलेट पहुंच चुके हैं और उसके जो है वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में ही जो एक ये भी जानकारी है कि 10 मई तक सारे टैबलेट जो आए हैं 16,223 और स्मार्टफोन और 19,423 टैबलेट आए हैं वो मात्र मात्र 10 मई तक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा, सारे जो हैं वो कॉलेज में बांट दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी जो है खुशखबरी है। सबसे पहले तो उस छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ये खबर दी है। अगर आपके पास भी कोई खबर आती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ भेज सकते हैं। अगर व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में ही आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले खबर बताऊँ तो ये गोंडा की खबर है। लिखा है कि दूसरे चरण के लिए छात्रों को चयन प्रक्रिया शुरू, आज से होगा वितरण। और जो वितरण कार्यक्रम है शुरू हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो है विधानसभा से पहले युवाओं के लिए तकनीकी सशक्त बनाने के लिए जो है स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण जो है वो शुरू हो गया है, ऑलरेडी शुरू हो गया था। इसके तहत ज़िले में 19,000 से अधिक टैबलेट और 16,000 से अधिक स्मार्टफोन पहुँच चुके हैं। मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट संख्या यहाँ पर लिखी 16,223 स्मार्टफोन और 19,423 जो है वो टैबलेट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं और जिसे बांटने के लिए चयन की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं पे 1,000 टैबलेट 13 कॉलेज को हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। और शुक्रवार को नारी ज्ञान स्थली में जो है वितरण शुरू हो गया है, जिसमें पूरे ज़िले में जो टोटल रजिस्ट्रेशन है गोंडा ज़िले में वो 63,841 युवाओं का रजिस्ट्रेशन है और जिसमें युवाओं को स्मार्टफोन और जो है 1,000 टैबलेट जो हैं वो इसी माह में मिल चुके हैं और जिसे 13 कॉलेज में बांटा गया है। शुक्रवार को उनका वितरण ज़िले में शुरू हो जाएगा और आज से, मतलब जो शुक्रवार है आज से इसका वितरण शुरू हो जाएगा। और जो है चुनाव से पहले 2200 टैबलेट यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ चुके थे। अब जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 16,223 स्मार्टफोन और 19,423 जो है टैबलेट आ गए हैं, जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेडलाइंस में कि CDO ने जो है DIOS से ली जानकारी 10 मई तक बांटे जाएंगे। तो टोटल जो है वो 10 मई तक यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 16,223 स्मार्टफोन और 19,400 टैबलेट का। तो गोंडा के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर जो छात्र गोंडा के हैं अपने कॉलेज से संपर्क स्थापित करते हुए डेली कॉलेज जाएं, वहां से सूचना प्राप्त करें, अपनी कॉलेज की लिस्ट देखें, जल्द ही जल्द लिस्ट आ जाएगी। 10 मई तक जो है वहां पर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा जितने भी टैबलेट और स्मार्टफोन आए हैं वहाँ पर। आशा करते हैं कि गोंडा के बच्चे अपने कॉलेज में संपर्क स्थापित करते हुए जो भी जानकारी वहाँ से मिलती है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़े हैं मुझे भेजें ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊं तो सभी बच्चों का भला हो पाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।